ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना जियोग्राफी के एमसीक्यूज का सफर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। मुझे जहाँ तक याद है, राजस्थान इंडिया में कॉपर प्रोड्यूस का प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है। और अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, यूएसए नहीं, पेरू या चिली, क्योंकि जो कॉपर है वो मुझे लग रहा है अटाकामा जो है डेजर्ट चिली में, वहां से ज्यादा निकलता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज चिली, सही है। कॉपर 49% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, कॉपर जहाँ आएगा वहां पे चिली आ जाएगा। बट स्टिल इंडिया की रैंक देखने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इस पे रिसर्च कर लेता हूँ, कॉपर प्रोडक्शन बाय कंट्रीज, क्योंकि मैं इंडिया की रैंक देखना चाहता हूँ। चिली, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। चिली, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कोई बहुत बड़ा हब नहीं है कॉपर प्रोडक्शन का। यूएसए इन्होंने दिखाया है, सोवियत यूनियन चिली को थर्ड पे दिखाया, बट सोवियत यूनियन नाम के कुछ बचे ही नहीं है। चिली ये सही है, कब का डेटा है, 2010 का। चिली, पेरू, चाइना, यूएस। 2020 का डेटा क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं यूएसए ओवरटेक कर गया हो। यूएसए 6.5। 2018 कॉपर माइन प्रोडक्शन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, चिली और पेरू, पेरू चिली, मतलब अगर जोड़ दें तो 30 40 50, आधा तो वही निकाल देते हैं, बाकी यूएसए चाइना और अदर कंट्रीज हैं, कांगो, जाम्बिया। तो ये कॉपर प्रोडक्शन साउथ अमेरिका का है, साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक जियोग्राफी की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स। वैसे साउथ अमेरिका की इकोनॉमिक जियोग्राफी हम लोग कल कर रहे थे, तो और भी कुछ पैटर्न निकल के आए थे, जैसे कॉफी का प्रोडक्शन पूरा ब्राजील से है, जहाँ पे फजेंडा कॉफी प्लांटेशन होते हैं यूरोप में और ब्राजील में। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका में ये भी आना चाहिए, चिली और पेरू का कॉपर प्रोडक्शन क्यों है, ऐसा ये जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। पेरू चिली में ऐसा क्या है कि वो कॉपर प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आगे है? कुछ वहाँ के डेजर्ट में या माउंटेन जो है एंडिस, उसमें ऐसा कुछ है, कोई पुरानी रॉक मिलती है इस टाइप की कॉपर बेरिंग, ये मैं जानना चाहता हूँ। कॉपर प्रोडक्शन चिली ही नंबर 1 है, पेरू चिली, इस पे तो कोई डाउट नहीं। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर पेरू चिली, यूएसए, कनाडा, रशिया, कजाकिस्तान, ये चीज जो है आनी चाहिए इधर। और चिली, 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 चिली। चिली 100% चिली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब मैं देखता हूं ऐसा क्या है, कॉपर प्रोडक्शन चिली में ऐसा क्यों है ज्यादा। कॉपर प्रोडक्शन इन चिली एंड पेरू, साउथ अमेरिका। कॉपर मेगा माइंस इन साउथ अमेरिका। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स एंडिस माउंटेन रीजन इन साउथ अमेरिका इज इमर्ज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। चिली इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द मेटल, फॉलोड बाई चाइना। माइंस लाइक कैरो वर्दो हैव हेल्प पेरू इन द अपर एसलोन ऑफ द प्रोडक्शन। कैरो वर्दो, ये कैरो वर्दो माइन कॉपर।
और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं? कॉपर माइनिंग, वजह क्या है? माइनिंग इन चिली, माइनिंग सेक्टर इन चिली इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द चिलियन इकोनॉमी एंड कॉपर एक्सपोर्ट्स अलोन स्टैंड्स फॉर मोर देन 1/3 ऑफ द गवर्नमेंट इनकम। चिली की इनकम ही कॉपर से होती है। मोस्ट माइनिंग इन चिली इज कंसेंट्रेटेड टू नॉर्टे ग्रांडे। नॉर्टे ग्रांडे इज वन ऑफ द 5 नेचुरल रीजन इन टू विच डिवाइड कॉन्टिनेंटल चिली इन 50। इट बॉर्डर्स पेरू टू द नॉर्थ, अल्टीप्लानो बोलीविया एंड अर्जेंटीना टू द ईस्ट। रीजन स्पेनिंग मोस्ट ऑफ द अटाकामा डेजर्ट। तो मैं सही बोल रहा था, अटाकामा डेजर्ट से ही आता है। और चिली कॉपर गोल्ड सिल्वर मॉलिब्डेनम आयरन कोल। मोस्ट माइनिंग ऑफ द कोल चिली इज कंसिडर्ड टू नॉर्टे ग्रैंडे अटाकामा डेजर्ट। तो डेजर्ट जो है कुछ तो अच्छा दे गया चिली को, नहीं तो अटाकामा तो दुनिया का सबसे ड्राइस्ट प्लेस है, खेती तो हो नहीं सकती, तो चलो कॉपर ही निकाला। एल टेनेंटे अंडरग्राउंड कॉपर माइन। ब्लास्ट ब्लिस्टर कॉपर। गोल्ड एंड सिल्वर भी बढ़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ मगेलन वो भी चली में ही है। चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? नाइट्रेटाइट। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट इज ए मिनरल नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट। केमिकली इट इज सोडियम एनालॉग ऑफ सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट होता है, क्योंकि चिली में मिलता है इसलिए इसे चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट, अच्छा इंडिया में कॉपर कहाँ मिलता है? वो तो राजस्थान में है शायद, खेतरी कॉपर माइंस। चाइना, चाइना, चाइना कल्टीवेशन इज फाउंड इन, चाइना क्या है? चाइना कल्टीवेशन इज फाउंड इन श्रीलंका। चाइना कल्टीवेशन सेकंड ओनली टू पैडी कल्टीवेशन इन द एरिया। इट प्रोवाइड्स द फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर द पीपल इन द एरिया एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्शन टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू। ये चाइना कल्टीवेशन क्या है भाई? तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, चाइना सुना था। चाइना कल्टीवेशन, क्या था क्वेश्चन? चाइना कल्टीवेशन इज फाउंड इन, चाइना कल्टीवेशन इज फाउंड इन, चाइना कल्टीवेशन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इसके बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। एंशियंट श्रीलंका। चाइना इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इन श्रीलंका। चाइना इज ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस एंड एंशियंट श्रीलंकन इंश्योर दैट द एनवायरमेंट वॉज अनहार्म्ड। क्लाइमेट, नेचर ऑफ सॉइल, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स। क्या है क्या ये? चाइना फार्मर्स यूजली बिगर कल्टिवेशन ऑफ चाइना ड्यूरिंग द फाइनल डेज ऑफ ड्राई सीजन। अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जीके टुडे वाला देखते हैं क्या है। चाइना कल्टिवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नोन टू मैन फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन। प्रैक्टिस इन श्रीलंका एंड सम अदर कंट्रीज। इट डजन मेक यूज ऑफ द सेम पीस ऑफ लैंड लाइक वेयर पैडी इज ग्रोन एंड ग्रोज ऑन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। चाइना कल्टिवेटर कट्स डाउन एट रेगुलर इंटरवल द ट्रीज ऑफ ए स्मॉल जंगल लैंड एंड सेट फायर टू द वुडी ग्रोथ्स
एज फार एज पॉसिबल टू बिगिन कल्टीवेशन। अरे यार, ये झूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही तो हो गया। वर्जिन लैंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन व्यू ऑफ द रिच सॉइल। इट इम्प्रूव द क्लियरिंग ऑफ द प्रिमल और सेकेंड ग्रोथ ऑफ जंगल लैंड एवरी ईयर द कल्टिवेशन ऑफ ड्राई लैंड प्रोडक्ट्स जैसे तालू, ताला, आमू, मुनेरू, थना, मूंग, बाजरा। चना कल्टिवेशन इज फाउंड इन श्रीलंका। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टंगस्टन इन द वर्ल्ड। नो आइडिया, देखना पड़ेगा भाई। टंगस्टन प्रोडक्शन, टंगस्टन मोलिब्डेनम प्रोडक्शन बाई कंट्री। टंगस्टन चाइना, इंडिया का इसमें भी नाम नहीं है। चाइना, वियतनाम, रशिया, बोलीविया। चाइना का माइन मिनरल्स का प्रोडक्शन अच्छा है। चाइना का डोमिनेंस है टंगस्टन प्रोडक्शन में। चाइना अकेले बाप है सबका टंगस्टन प्रोडक्शन में। ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया। इकोनॉमिक जियोग्राफी, कल मैं चाइना कर रहा था तो मैंने ये भी पाया था कि चाइना वीट में भी नंबर वन है, राइस में भी नंबर वन है, पोटैटो में भी नंबर वन है। आज मेरे को नई चीज पता चल रही है कि चाइना टंगस्टन में भी नंबर वन है। टंगस्टन, बाकी कंट्रीज तो दूर दूर तक नहीं है। टंगस्टन का यूज क्या होता है? टंगस्टन का यूज क्या है? टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में यूज होता है और इंडिया भी प्रोड्यूस कर लेता है टंगस्टन थोड़ा बहुत। टॉप 10 में नहीं होगा बस। कुछ इसके बारे में और नहीं मिल रहा। टंगस्टन का यूज क्या है? इंडस्ट्रियल यूज क्या है? इससे इलेक्ट्रोड बनते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनते हैं, फील्ड मीटर, फिलामेंट बनते हैं बल्ब के, कैथोड रे ट्यूब बनती है, स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है, कटिंग टूल्स बनते हैं, अलॉय बनते हैं वियर रेजिस्टेंट कोटिंग के, वुलफ्रेम टंगस्टन डब्लू, रिफ्रैक्टरी मेटल है, हार्ड मेटल है। चलो अगला। चाइना करीब 83% ग्लोबल प्रोडक्शन टंगस्टन का है। द वीट क्रेसेंट लाइज इन, गेहूं, वीट तो पेरी और स्टेपीज का ही मेन है काम। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा कोई फेमस तो है नहीं वीट में। अर्जेंटीना हो सकता है, यूएसए कनाडा में है अच्छा खासा, वहाँ पे तो पेरी की लैंड है। चाइना का कजाकिस्तान, रशिया में स्टेपीज है, वीट है वहाँ पे। ये वीट कैसेंट, अर्जेंटीनाज वीट एरिया इज कैसेंट से। अर्जेंटीनियन वीट इज ऑफ गुड क्वालिटी इन हार्वेस्टेड इन नवंबर, दिसंबर इन जनवरी। इंडिया में भी तो ऐसा ही है। वीट क्रेसेंट, वीट क्रेसेंट, फर्टाइल क्रेसेंट, वीट क्रेसेंट, क्रेसेंट शेप के फर्टाइल क्रेसेंट था। टिग्रिस यूफ्रेटिस मेसोपोटामिया वाला, इजिप्ट वाला, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, फर्टाइल क्रेसेंट, वीट क्रेसेंट का। वीट क्रेसेंट अर्जेंटीना। वीट क्रेसेंट लाइज इन, नहीं, वीट क्रेसेंट अर्जेंटीना अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी यही वाला फर्टाइल क्रेसेंट आ रहा है।
वीट क्रेसेंट अर्जेंटीना कोई बहुत फेमस नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ मिले फर्टाइल क्रेसेंट ही आ रहा है। आई थिंक चलते हैं, वीट क्रेसेंट लाइज इन अर्जेंटीना, मान लेते हैं इसको ऐसे। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, यार गोल्ड तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी चाइना नंबर वन आ गया, ये तो खतरनाक हो गया। डायमंड देख रहा था मैं तो, डायमंड का तो शायद रसिया था शायद। गोल्ड प्रोडक्शन बाय कंट्री, अगर चाइना है तो फिर तो चाइना इंडिया को तो लूट लेगा, क्योंकि इंडिया गोल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना के लोग तो इतना गोल्ड यूज करते नहीं होंगे, भेज भेज के इंडिया वो कमा रहे पैसा। गोल्ड प्रोडक्शन में सच में इंडिया तो गायब है, और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएस, कनाडा, पेरू, इंडोनेशिया, फिर आ गया यार चाइना। गोल्ड प्रोडक्शन इसमें मैप उठाते हैं, इन मैप में रैंक नहीं पता चलती, अब दिख रहा है कि हाँ कहाँ गोल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, लेकिन ये रैंक ऐसा सब लिखा हुआ है, समझ गया चाइना नंबर वन है इसकी, ये मिल गया टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन 2018, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएस, कनाडा, तो इंडिया तो इनपे हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगा, इस तरह का मामला है, इंडिया को बहुत गोल्ड चाहिए होता है। भूखे यहाँ पे लोग गोल्ड के, भूखे नंगे लोग हैं हम लोग, लेकिन गोल्ड चाहिए। जी रहा हमारा गोल्ड प्रोडक्शन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, यूएस, कनाडा, गोल्ड इनके पास, साउथ अफ्रीका बहुत कम है यार, मैक्सिको गाना, मैं तो साउथ अफ्रीका मैक्सिको गाना समझता था। टॉप कंट्रीज बाय गोल्ड प्रोडक्शन, ये क्या है, वो क्या था फिर 2018 में चाइना के, बट हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी है, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा था, हिस्टोरिकल देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने प्रोड्यूस किया है, बट अब साउथ अफ्रीका की माइंस डिप्लेट हो गई है गोल्ड से, तो चाइना नंबर वन आ गया है, हिस्टोरिकल साउथ अफ्रीका में था गोल्ड प्रोडक्शन अच्छा खासा। ये मैप अच्छा बना हुआ है, नंबर वन चाइना, नंबर टू साउथ अफ्रीका, 2008 का डेटा, लेकिन 2018 की कहानी अलग है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत माइनिंग होने लगी है, गोल्ड रिजर्व अलग चीज है, ठीक आगे बढ़ते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड चाइना, और मैंने इसको स्टोर भी कर लिया है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, ये तो पक्की बात है कोई आसियान कंट्री होगी, क्योंकि रबर के लिए जो प्लांट चाहिए होते हैं, रबर प्लांट, वो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में होते हैं, इंडिया तो नहीं है ऑब्वियसली, केरल वेरल में थोड़ा बहुत होता 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 हो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया का दोस्त थाईलैंड,
थाईलैंड, दुश्मन, मलेशिया, न्यूट्रल, इंडोनेशिया। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द वर्ल्ड इज थाईलैंड। अच्छा, ये भी देख लेते हैं भाई, रबर प्रोडक्शन बाय कंट्रीज। टॉप 10 रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सबसे बड़ा 28 इंडोनेशिया का है, 30 ब्लू थाईलैंड, थाईलैंड इंडोनेशिया मिलकर ही 60% करते अपने, और ग्रीन मलेशिया हो गया 70-80 तो हो गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, रबर इन्हीं का पूरा है, फिर वियतनाम, फिलीपींस नहीं, अफ्रीका में नहीं पहुंचा है इतना थाईलैंड रबर प्रोडक्शन जितना कि ये आसियान में पहुंचा हुआ है। इतना तो पक्का है कि ये आसियान का काम है। कहाँ जाएं हम? साउथ ईस्ट एशिया में जाएं। साउथ ईस्ट एशिया रबर प्रोडक्शन, ये एक नॉमी ज्योग्राफी, पाम ऑयल, टिन, क्रूड ऑयल, थोड़ा बहुत राइस प्रोडक्शन, कॉफी, कॉफी में ब्राजील, वियतनाम कॉफी में भी आ गए हैं आगे। अभी आ जाते हैं कॉफी के साथ साथ रबर में, रबर प्रोडक्शन में इनका अच्छा खासा नाम है भाई। थाईलैंड अपना दोस्त रबर ज्यादा प्रोड्यूस करता है। थाईलैंड मेरे दोस्त, रबर दो मुझे। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन्होंने संभाला हुआ है बीड़ा रबर प्रोड्यूस करने का दुनिया के लिए। अगला आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज फेमस फॉर नाइट्रेट डिपॉजिट। अभी तो कर रहे थे यार, चिली, सॉल्ट पीटर, चिली, अटाकामा डेजर्ट इज फेमस फॉर नाइट्रेट डिपॉजिट। द डेजर्ट इज लिटर्ड विद अप्रोक्सीमेटली 170 एबंडेंट नाइट्रेट सॉल्ट पीटर माइनिंग टाउन। अरे बाप, 170 तो खाली शहर है जहाँ पे सॉल्ट पीटर निकाला जाता है। Approx almost all of which was shut down decades after the invention of synthetic nitrate in Germany at the turn of 20th century. The towns include Chacabuco, Humberstone, Santa Laura, Pedro de Bolivia, Palma, Maria Elena, and Oficina Anita. Atacama Desert Nitrate Deposit. देखना पड़ेगा। नाइट्रेट का काम क्या है? सॉल्ट पीटर का काम क्या है? सॉल्ट पीटर का यूज क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट इज वन ऑफ द सेवरल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सॉल्ट पीटर फर्टिलाइजर। अच्छा, फर्टिलाइजर के लिए है। स्टम्प रिमूवल, रॉकेट प्रोपेलेंट, फायरवर्क, गन पाउडर, ब्लैक पाउडर। अच्छा, ये है यूज, गन पाउडर बनाओ। गन पाउडर सिविलाइजेशन यही से यूज करती होंगी, और फर्टिलाइजर यूज कर लो। कैसे बना अटाकामा डेजर्ट इतना बड़ा नाइट्रेट का सोर्स? नाइट्रेट ओर फील्ड, रेनफॉल हुई, वेदरिंग हुई रॉक्स की, और धूप सनलाइट के प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन बनने लगे। अच्छा दे रखा है एक्सप्लेनेशन नाइट्रेट के प्रोडक्शन का। फर्टिलाइजर्स में अच्छा खासा यूज हो सकता है यूरिया वगैरह के लिए। इंटर इंपोर्ट करता होगा या करना चाहिए यहाँ से यूरिया वीरिया, फिर अच्छा है जाएगा साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका
इकोनॉमिक ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर बेस और इंडस्ट्रियल बेस, बाकी तो सर्विस बेस तो यार सभी हो गए हैं। मतलब अगर इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखी जाए साउथ अमेरिका की, तो कॉफी बेस थी ब्राजील की, फजेंडा, कॉपर माइंस चिली, अटाकामा डेजर्ट, और अब आ गया चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर नाइट्रेट, नाइट्रेट का यूज तो लिख लो, फर्टिलाइजर में अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, जीरा वजह। ये पूरा रेगिस्तान पड़ा हुआ नाइट्रेट का। ये सब देखो बंद पड़े हैं माइंस, अब कोई वजह ही नहीं बची है, बंद पड़ी है माइंस। मिट्टी में मिट्टी भी अबॉन्डेंट पड़ी है, बिल्कुल खत्म, पानी वानी है ही नहीं, वैसे ही अटाका मारे जाते हैं। माइंस थी वो भी बंद हो गई, अब लोग थे तो मरते रहते, सिमेट्री में मिट्टी भी लगाए, क्या रेगिस्तान में। सिमेट्री ज्यादा लोग कम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज फेमस फॉर नाइट्रेट डिपॉजिट? अटाकामा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स द इंटरनेशनल ट्रेड इज लो इन कंपेरिजन टू टोटल प्रोड्यूस? भाई जैसे राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चाइना है, तो ट्रेड क्यों करेगा, खुद ही खाएगा। वैसे इंडिया में भी है, राइस में इंटरनेशनल ट्रेड कम होता है, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, लेकिन वो खुद ही अपने लिए करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन एशिया? यूरेनियम का प्रोडक्शन तो मैंने कजाकिस्तान में देखा था, हाँ, और यूरेनियम का इन्होंने उज़बेकिस्तान, क्योंकि इंडिया में तो नहीं, यूरेनियम प्रोडक्शन इंडोनेशिया में नहीं है, चाइना में हो सकता था, उज़बेकिस्तान में होगा, देख लेते हैं। यूरेनियम प्रोडक्शन बाय कंट्री, कजाकिस्तान नंबर वन है, मैं सही कह रहा था, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान तो बहुत पीछे है, आई डोंट नो इन्होंने उज्बेकिस्तान को क्यों लिया है। कजाकिस्तान के बाद तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मतलब इंडिया को अगर चाहिए तो कजाकिस्तान से मंगाओ या ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ, यही पास में है, नाइजर, रसिया, उज्बेकिस्तान। यूरेनियम, यूरेनियम चाइना एंड सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया एंड रसिया, रसिया की इकोनॉमी, रसिया की इकोनॉमिक जियोग्राफी में मैंने क्या डाला, नोरिल्स्क डिपॉजिट, कॉपरनिकल, करेलियन पेनिनसुला, कोल, डोनेट्स, यूक्रेन, मॉस्को रूट, यूरेनियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज डाला तो है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तो है, कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाइजर, ठीक, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड?
बॉक्साइट Al2O3 है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा काम होता होगा एल्यूमिनियम। इंडिया है इसमें, चलो कहीं तो आया। ऑस्ट्रेलिया और गिनिया। गिनिया ये कौन सा गिनिया है भाई? अफ्रीका वाला गिनिया है कि न्यू गिनिया, इंडोनेशिया वाला, ऑस्ट्रेलिया के पास वाला है? अच्छा, और प्रोडक्शन में एल्युमिनियम नंबर वन है। रिन्यूएबल बॉक्साइट रिजर्व। गिनिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। क्या है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रेलिया इज द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्साइड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया 27%, गिनिया 15%। गिनिया के पास रिजर्व सबसे ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूसर सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, ऐसा कुछ है क्या बॉक्साइट का? अगर ऐसा है तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में मुझे लिखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, अभी तक ऑस्ट्रेलिया किसी में नंबर वन नहीं आया था, बॉक्साइट में आया है। ओके, ऑस्ट्रेलिया नंबर वन है। गिनिया देख लेता हूँ यार, गिनिया कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया के बगल वाली है कंट्री तो समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास होता ही है। गिनिया नहीं, अफ्रीका वाला गिनिया है, वो पापुआ न्यू गिनिया था। गिनिया इज ए कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, फ्रेंच गिनिया भी बोलते हैं। देखते हैं क्या यहाँ पे बॉक्साइट। गिनिया इज इकोनॉमी, हाँ इट इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, रिच डिपॉजिट ऑफ डायमंड एंड गोल्ड। तो ये अफ्रीका में भी जाएगा भाई। हाउ कम आई लेफ्ट दीस पॉइंट्स? छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन करते वक्त ही आते हैं। अब अफ्रीका की इकोनॉमिक जियोग्राफी जब मैं कर रहा था तो कोई पॉइंट ही नहीं मिला था सिवाय इसके कि कॉफी और सफायर्स मेडागास्कर से आते हैं, वेनीला का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, क्रॉप्स कुछ कुछ नहीं लिखी कि नहीं लिखी है। डायमंड माइन का रिजर्व्स रसिया है सबसे ज्यादा, फिर कांगो है, किम्बले साउथ अफ्रीका, मतलब नंबर वन जैसा कुछ नहीं था। अभी आया है ना ये गिनिया। गिनिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। गिनिया इक्वेटोरियल गिनिया। और कुछ है क्या बॉक्साइट के बारे में? माइनिंग, गिनिया प्रोड्यूस 25 बिलियन टन ऑफ बॉक्साइट, हाफ ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व। एल्युमिनियम चाहिए, गिनिया जाओ। ठीक अगला करते हैं। ग्रेट लेक्स इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ। ग्रेट लेक्स अमेरिका में जो पांच हैं, सुपीरियर, ओंटारियो, ओहायो, ऐसे कुछ कुछ हैं। ग्रेट लेक्स
यूएसए। पांच है, सही बोला था। सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन। सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन, एरी। सुपीरियर, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन, एरी। तो जो ग्रेट लेक में जो रीजन है नॉर्थ अमेरिका, वो किसकी माइनिंग के लिए फेमस है? आयरन ओर की। फ्रेश वाटर लेक्स हैं कनाडा-यूएस बॉर्डर पे, और अटलांटिक ओशन से कनेक्ट है सेंट लॉरेंस सी वे और ग्रेट लेक्स वाटरवे से। यहाँ आयरन ओर की माइनिंग होती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आर्गन ऑयल? आर्गन ऑयल इज नेटिव टू मोरक्को एंड यूज इन हाई एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड हार्ट हेल्थी गवर्नमेंट प्रोडक्ट। ये आर्गन ऑयल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, होता क्या आर्गन ऑयल? आर्गन ऑयल, आर्गन ऑयल सच में कुछ होता है? आर्गन ऑयल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है लगता कोई, और ये मोरक्को में होता है। मोरक्को मेडिटेरियन क्लाइमेट है, वहां पे होता होगा। द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन इन यूएसए। यूएस की जो आयरन ओर माइनिंग है, इज डोमिनेटेड बाय पी कैम्ब्रियन बैंडेड आयरन फॉर्मेशन डिपॉजिट फाउंड ऑन द लेक सुपीरियर इन मिशिगन। तो नॉर्थ ईस्ट अपलासियन, अलाबामा, लेक सुपीरियर, श्रीनिवादा। अभी तो किया था कि ग्रेट लेक्स जो है वो आयरन ओर की माइनिंग के लिए। लेक सुपीरियर, मिशिगन। मिशिगन जो है वो आयरन, मिशिगन का कहीं ना कहीं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में नाम भी इसीलिए है मिशिगन। मिशिगन क्या है, देखते हैं आयरन और स्टील से कोई लेना देना है कि नहीं। आयरन, रिच सोर्स है आयरन और कॉपर का। आयरन बेरिंग रॉक्स हैं। तो आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन इज लेक सुपीरियर, मिशिगन। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इज द लीडिंग वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी चीजों में नंबर वन है यार। वूल प्रोडक्शन, बाय कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया सच में नंबर वन है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर न्यूजीलैंड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का नाम आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया में है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉक्साइट भी है, यूरेनियम भी है अच्छा खासा, और वूल भी है। वूल प्रोडक्शन में नंबर वन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया है टॉप 10 में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वें 10वें पे है। मैं मतलब इसके पॉपुलेशन के हिसाब से तो गड़बड़ है इंडिया का प्रोडक्शन वूल में।